एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं चाउमीन मोमोज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले चाउमीन बनाएंगे, उसके लिए एक कढ़ाई ले, उसमें तेल गरम कर ले। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम लोग सबसे पहले अदरक डाले, उसे थोड़ा गर्म हो जाने के बाद उसमें लहसुन डालें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। लहसुन अच्छे से पक जाए उसके बाद उसमें प्याज डालें और इसे थोड़ी देर तक फ्राई कर लें। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें पत्ता गोभी डाल दें। पत्ता गोभी डालने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दें और अब इसे थोड़ी देर तक फ्राई होने दें। थोड़ी देर तक फ्राई हो जाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें विनेगर और सोया सॉस डाल दें और इसे थोड़ी देर तक पका लें। विनेगर और सोया सॉस थोड़ी देर तक फ्राई हो चुका है, अब इसमें टोमेटो केचप डाल दें और आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और भी सॉसेज अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। सॉसेज के बाद अब इसमें चाउमीन मसाला डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद अब इसमें बॉइल्ड चाउमीन डाल दो, जो मैंने पहले ही बॉइल करके रख लिया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। चाउमीन हमारा अब बनके रेडी है, इसे एक बर्तन में निकाले और इसे ठंडा होने दे। अब हम लोग मोमोज का आटा बनाएंगे। तो अब एक बर्तन में मैदा ले ले और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर डाले और उसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर ले। हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे थोड़ी देर तक 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दे। तो अब मैदे का इस तरीके से छोटे छोटे लोई तोड़ ले और उसे मैदे या फिर आटे में अच्छे से लगा के उसे बेल ले। तो ये अच्छे से बेला चुका है, अब इसमें थोड़ा सा चाउमीन डाले और इसे अच्छे से बंद कर ले। इसी तरीके से बाकी मोमोज भी बना ले। मेकर में मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी गर्म
टाइम हो चुका है, अब उसमें हमारे मोमोज को रख दे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दे। 10 से 15 मिनट हो चुका है, हमारा मोमोज भी अच्छे से पक चुका है, तो अब ये हमारा रेसिपी रेडी है। दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफस्टाइल। बाय।